तो ऐसे में तो मोदक बनाना बनता ही है, तो चलिए बनाते हैं। आज दो तरह की मैं मोदक बनाऊंगी, एक तो है पनीर मलाई मोदक और दूसरा है चावल दूध के मोदक। तो कैसे बनता है चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। फ्रेंड्स, मैं हूँ शोभा, वेलकम माई चैनल शोभा रसोई। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गणेश चतुर्थी आने वाली है तो गणपति पापा को तो खुश करना बनता ही है, तो उसके लिए हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली चावल के मोदक बनाएंगे। पहले मैं दो तरह के बनाऊंगी, एक पहले बनाऊंगी चावल के, फिर दूसरा मैं बाद में आपको बताती हूँ किसका बनाऊंगी। तो चलिए, कप चावल का आटा ले लिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिए, कोकोनट ले लिए और घी ले लिए। अब एक पैन में हम दो चम्मच घी ले लेंगे, चावल को आटा को हम डाल देंगे, इसे धीमे लो फ्लेम में हम इसे फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। देखिए हल्के हल्के से कलर है इसका चेंज होगा और भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे ड्राई फ्रूट, एक थोड़ा सा काजू है, थोड़ा सा बादाम है, आप तो अपना इच्छा अनुसार डाल सकते हो। इसे भी थोड़ा सा सेक लेंगे हम चावल के आटे के साथ ही। इसके अंदर डाल देंगे दो बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर या डेजिकेटेड कोकोनट, कुछ भी बोल लीजिए आप, सूखा नारियल हो उसे भी आप ग्रेट करके डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, इसके हमने कोकोनट और ड्राई फ्रूट को भी भून लिया, गैस को हमने ऑफ कर दिया है। अभी तो ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर हम चला लेंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होगा, हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे में हमारा जो मिश्रण है वो जल जाएगा। ये हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। हमने तीन बड़े चम्मच मावा को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालें। थोड़ा सा मावा निकाल लेंगे, अब इसमें डाल देंगे हम आधा लीटर दूध। दूध आप फुल फैट क्रीम लीजिएगा, मेरा फुल फैट क्रीम नहीं था इसीलिए मैंने थोड़ा सा मावा डाला है, आपका हो तो आप मावा नहीं डालने से भी चल जाएगा। दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम केसर, हमने थोड़ा सा भिगो के रखा था वो डाल देंगे, इससे इसका बहुत ही कलर बहुत बढ़िया आएगा और टेस्ट भी। और डाल देते हैं आधा कप चीनी, आपको मीठा अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन एक कप चावल के लिए आधा कप चीनी एकदम परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अंदर हम डाल देंगे चावल का आटा, इसे अच्छे से पका लेंगे इसी के अंदर, जब तक हमारा मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए, पक ना जाए। देखिए मिश्रण हमारा गाढ़ा हो चुका, अब इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे हम हाथ से इसको बना सकें। हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट काट लिया था, इसके अंदर हम थोड़ा सा जो हमने मावा निकाला था उसे भी डाल देते हैं। इसके अंदर डाल देंगे एक चम्मच, छोटी चम्मच है इसीलिए हमने थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, किसी भी चीनी डाल दें, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो गुड़ भी डाल सकते हो इसके अंदर में। एक चम्मच डाल देंगे बाइंडिंग के लिए मावा, जो ड्राई ड्राई लग रहा है हमारा मिश्रण, अब इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिश्रण को हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे, जिससे हमारा स्टफन करने में इजी रहेगा। इस तरह से हमने गोले बना लिए, अब इसे एक तरफ रख देते हैं। अब चलते हैं हमारे डो की तरफ, डो भी हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब इस तरह के मोल्ड बाजार में मिलते हैं, मैंने आपको हाथ से बनाते हुए भी बहुत दिखा दिए हैं कैसे हाथ से बनाए जाते हैं, तो आप चाहे तो हाथ से बना लीजिए या फिर इस मोल्ड में और भी डिजाइन के मोल्ड मिलते हैं, आप उसे ले लीजिएगा। तो अब इसमें हमने थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया था, अब इसको इसके अंदर डाल देंगे मिक्सर को इस तरह से, फिर अंदर से हम इसको होल कर लेंगे अच्छे से और इस वाले स्टफिंग को हम इसमें डाल देते हैं, कवर कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा हो मिश्रण हम उसे निकाल लेंगे। इसे ओपन कर लेंगे, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मोदक बन गया।
इसी तरह से मैं एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। पहली बार ही हमें घी से ग्रीस करना होता है, बार बार ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिक हमारे जो मोदक है वो ज़्यादा दिन नहीं रुकते हैं। ये वाले जो मोदक हैं आप फ्रिज में रख के आराम से 15 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, जब भी मन चाहे तो आप खा सकते हो इसे। इसे डाल दिए हमने, मेरे मोदक का सांचा थोड़ा सा छोटा है इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनते हैं, फिर भी ठीक ही है। ये हमने इसे एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिया। ये देखिए बहुत ही इजी से और बहुत ही सुंदर से बन गया। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। देखिए सारे मोदक हमने बना लिए, बहुत ही इजी से बन जाता है। तो अब चलते हम दूसरे मोदक की ओर। बनाएंगे हम पनीर मलाई मोदक। तो हमने इसलिए ले लिया 150 ग्राम पनीर, आप अपने ज़रूरत के अनुसार ले लीजिएगा, मेरे खाने वाले कोई नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। 4 बड़े चम्मच चीनी, पीसी हुई चीनी डाल देते हैं। इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए अच्छा से मिक्स करके हमने कढ़ाई में डाल दिया इसे। कढ़ाई में पहले हमने 1 चम्मच घी डाल दिया था, अब इसे हम पकाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप जितना कोकोनट। तो ऑप्शनल है लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल दूँ, आपको अगर अच्छा ना लगे तो स्किप कर सकते हो। इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप दूध। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे और टेस्टी और रिच बनाने के लिए मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे, इसे ड्राई फ्रूट डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे हम गुलाब जल। आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हो, मुझे थोड़ा केवड़ा एसेंस की खुशबू कम पसंद है इसीलिए मैं गुलाब जल डाल रही हूँ। थोड़ी सी डाल दूँगी इलायची पाउडर, जब तक इसे पकाऊंगी जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए हमारा और कढ़ाई ना छोड़ने लगे। ये हमारा देखिए डो फॉर्म में आ गया, कढ़ाई छोड़ने लगा, इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे नहीं तो हमारा मोदक बहुत हार्ड बनेगा और जो हमारा मावा वगैरह है वो पूरा एकदम ड्राई हो जाएगा। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अभी तो हमारा ठंडा हो चुका है, देखिए अब थोड़ा थोड़ा हम लगा देंगे इसमें पिस्ता, जिसका इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा डो लेंगे, ये देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारा डो बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम इसका अब इसे अच्छा से प्रेस कर देंगे। एक्स्ट्रा डो हम हटा देते हैं, नीचे से भी अच्छा से दबा दबा के हम इसे भर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये मलाई मोदक, मलाई पनीर का मोदक बन के रेडी हो गया हमारा। जरूर क्या कर ये हटा देते हैं हम। अब इसको भी अंदर से हम अच्छा से प्रेस करके कर देंगे जिससे एकदम परफेक्ट मोदक हमारा बने। ओपन कर लेंगे, ये देखिए देखिए बना के दिखा देती हूँ, ऐसे हम सारे बना लेंगे। एक्स्ट्रा हटा देंगे, इसके अंदर में अच्छा से दबा दबा के हम प्रेस कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे रेडी कर लेंगे।
देखिए हमारे मोदक बन के रेडी हो गए। पनीर मलाई मोदक भी तैयार है और चावल और कोकोनट के भी हमारे तैयार है, चावल दूध के भी मोदक रेडी है। फ्रेंड मेरी ये रेसिपी तो बनाना बनता है, बहुत ही टेस्टी मोदक बने हैं। मेरी एक रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।